हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसाल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो घर का छत होता है यानी लेंटर, उसमें कितना सरिया लगता है यानी स्टील बार लगता है, कितना स्क्वायर फीट में कितना सरिया लगता है, कितना स्टील बार लगता है। तो आज आप लोगों को पीसेस के हिसाब से बताएंगे यानी पीस के हिसाब से बताएंगे। तो अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि छत यानी लेंटर में कितना एमएम का सरिया दिया जाता है। तो नंबर वन में आपको बताएंगे कि 12 एमएम, 10 एमएम, 8 एमएम, 6 एमएम। नंबर वन जो टॉपिक आपको बताने वाला है। नंबर दो भी टॉपिक आप बताने वाले हैं। नंबर दो में 12 एमएम, 10 एमएम, 6 एमएम और नंबर तीन भी आपको बता दे रहे हैं 16 एमएम, 10 एमएम, 8 एमएम। तो ये क्या है दोस्तों? ये जो 8 एमएम यहाँ है ये रिंग है, ठीक है, रिंग। और ये जो आप 10 एमएम देख रहे हैं तो बॉटम टॉप बी प्लस टी, बॉटम टॉप में जो जाली में सरिया लगता है। और ये 16 एमएम क्या है? सिर्फ बीम है दोस्तों, ये तीसरा में। और दूसरा में क्या है? ये आपका रिंग है, ठीक है। और ये आपका क्या है? बॉटम टॉप और ये बीम है। एक नंबर में क्या है? ये बीम है और ये बॉटम है और ये टॉप है और ये रिंग है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आप लोगों को यहाँ तीन तरह का बताया हूं तो अभी तीनों में से एक नंबर के बारे में बताएंगे। और ये दो तीन जो आप देख रहे हैं तो ये दूसरा वीडियो में बताएंगे और ये तीसरा वीडियो में। तो आप लोग पहले इस चीज को जानिए, ये क्या है? ये जो बीम है 12 एमएम, तो देखिए दोस्तों जो 12 एमएम चला, देखिए यहाँ क्या है कि जो 12 एमएम चलाता है ये बात तो सही है, लेकिन 12 एमएम, 16 एमएम जो भी एमएम का जो थिकनेस होता है ये जो है लेंटर के हिसाब से होता है, दूरी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये बताने वाला हूं कि जो 12 एमएम, 8 एमएम, 10 एमएम चलाता है तो उसका लेंटर के लिए यानी उसका छत के लिए कितना सरिया लगेगा यानी कितना पीसेज लगेगा। तो दोस्तों अभी हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया के ही बारे में बताएंगे। तो आप जानिए, मान लेते हैं ये 40 फीट का एरिया है, ठीक है, और ये 25 फीट का एरिया है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 12 एमएम यानी बीम का माल कितना लगेगा। दोस्तों मोबाइल से कैलकुलेटर निकालना है, ठीक है। मोबाइल से कैलकुलेटर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये छत है, ठीक है, ये लेंटर है, ये जो छत ढलाई होगा वो छत को मापना है कि लंबाई चौड़ाई कितना है। तो आप देखिए ये लंबाई छत का लंबाई है, तो लंबाई में कितना बीम आता है, 1 2 3 या 1 2 3। तो लंबाई कितना है? 40 फीट। तो 40 × 3 है तो 3 कर देना है, ठीक है, 120 हो गया। अब प्लस में क्या करना है? यहाँ 25 फीट है तो 25 लिखना है। बीम कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, तो इंटू 4 कर देना है, कितना? 220 आ गया। अब इतना इसमें कितना पीस लगता है, एक बीम में कितना पीस लगता है यानी 4 पीस। तो आपको क्या करना है? बराबर करके इंटू 4 कर देना है, 880 आ गया, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अब क्या करना है? एक सर इसको बराबर कर देना है, उसे एक सरिया 39 फीट का आता है, तो 39 सॉरी गलत हो गया 880 भागा एक सरिया 39 फीट का आता है, तो 39 कितना आ गया दोस्तों? 22 सरिया, ठीक है, 22 22.56 यानी 22.5। तो आप इसको 23 भी कर सकते हैं, ठीक है, ओवर एस्टिमेट लेना, ठीक है। तो 23 पीस, 23 पीस स्टील बार 12 एम का आपका बीम में लग गया, ठीक है दोस्तों, बीम में लग गया। तो अब आपको क्या करना है
कि ये तो आपका निकल गया 12 mm का सरिया। अब आपको ये करना है कि इसमें जो है 10 mm कितना सरिया लगेगा। तो आपको क्या करना है कि चाहे आप ये 40 फीट, ये 40 फीट है तो इधर 25 फीट है, तो 25 फीट को, ठीक है, 25 फीट को 25 या 75 तीन भाग में, इसको मैं काटता हूं 25 × 3 75 पीस कर देना। यहां जो 25 फीट है तो 25 या 75 कर देना, ठीक है। 75 × लंबाई कितना है, इंटू 40 फीट, 3000 फीट आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, भागा करना है 39 से, कितना 76 पीस 92 यानी 77 पीस, 10 mm 77 पीस, 77 पीस स्टील बार, यह है 10 mm और यह है 12 mm, ठीक है, 12 mm। आप देखिए दोस्तों कि हमको जो है 8 mm, जो 8 mm है, आप 8 mm कितना लगेगा, तो देखिए दोस्तों जो आपका 10 mm लगेगा वही आपका 8 mm भी लगेगा, 77 पीस। तो अब देखिए दोस्तों इसका वजन की बात करें, यहां पीस के हिसाब से जब एस्टीमेट आप निकालेंगे पीस के हिसाब से, सरिया मंगवाएंगे पीस के हिसाब से। इसमें और एक बात है कि अब हम लोग बीम में रिंग कितना लगता है, जो 6 mm, ये 6 mm, इसको हम लोग कैसे निकाले, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 40 है तो 40 × 3 1, 2, 3, ठीक है, अब प्लस 25 × 1, 2, 3, 4 बीम, ठीक है, 220, इसको बराबर कर देना है, और एक फीट पर 2 रिंग होता है यानी 6 इंच पर, तो 220 फीट दूना 440 रिंग लगेगा। तो दोस्तों आपको एक जानकारी और जरूरी है, एक 39 फीट का सरिया होता है, 6 mm का भी 39 फीट का सरिया होता है, तो वो एक जो 7x7 का रिंग होता है तो उसको 30 इंच करके काट देना, 2.5 फीट आप कह सकते हैं। तो आपका जो है एक सरिया का 16 रिंग होता है, तो यहाँ जो है 440 रिंग चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बराबर भागा 16 से भागा कर देना है, कितना आएगा 27 पीस, ठीक है दोस्तों। इसमें 6 mm कितना आएगा, 27 पीस। अब इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि ये कुल 1000 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन होता है, तो इसमें टोटल सरिया कितना हुआ यानी कितना होगा वजन, तो अगर वजन हम लोग निकालना चाहेंगे तो वजन आप निकाल सकते हैं, जैसे 12 mm 23 पीस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 52 kg का एक बंडल होता है, ठीक है, तो 12 mm बंडल में कितना पीस आता है, 5 पीस, तो भागा 5 यानी 10.4। तो आप देखिए ये कितना सरिया है, 23 सरिया, तो बराबर इंटू 23, तो दो कुंटल 12 mm 239 kg, ठीक है, 2 कुंटल 39 kg, ठीक है। आप देखिए 10 mm, तो 10 mm आप फिर वैसे करना है, ठीक है, 52 kg का एक बंडल आता है, भागा 10 mm में कितना सरिया आता है, तो 10 mm में आपका 8 सरिया आता है, तो आपको क्या करना है, भागा 8 6.5, सरिया कितना है, 77 पीस, तो आप 77 कर देंगे, कितना आ गया 10 mm 500.0 kg, ठीक है। अब आपको आगे 8 mm, 8 mm को देखिए 77 पीस है, तो पहले 52 kg से ही ये करना है, भागा करना है, 52 kg से भागा करके वो 8 mm का कितना पीस आता है, 11 से 12 आता है, तो मैं 11 कर देता हूँ, 11, तो 4.72, ठीक है, तो बराबर करना है इंटू कितना पीस है, 77 पीस है, 77 पीस, तो आपको कितना आ गया 8 mm का 364 kg, ठीक है।
आप देखिए 6-7, तो अगर 6-7 27 पीस है तो 2 केजी करके अगर वजन हो जाए तो 27 इंटू 2 यानी 54 केजी, 6-7 54 केजी। अब टोटल अगर ऐड किया जाए तो टोटल आप देखिए 239 प्लस 500 और 0.5 को छोड़िए प्लस 364 प्लस 54 केजी। अब इसको टोटल अगर किया जाए तो 1157 केजी यानी 11 क्विंटल 57 केजी। तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप छत में 8 mm 10 mm का सरिया देते हैं तो आपका एक क्विंटल में 110 से लेकर 115 केजी तक पर क्विंटल में सरिया लगता है अगर ठीक से बांधेंगे तो 5 इंच पर, ठीक है दोस्तों। और अगर आप 6 इंच पर बांधेंगे तो शायद 100 केजी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं एक नंबर बताया कि 1000 स्क्वायर फीट में कितना सरिया लगता है या 100 स्क्वायर फीट में कितना सरिया रहता है। 100 स्क्वायर फीट में आपको जो है ठीक से सरिया बनाया जाए यानी 5 इंच पर, तो आपका जो है 110 से 115 केजी तक लगेगा या तो फिर आपका 100 केजी एक क्विंटल में हो जाएगा यानी 1000 स्क्वायर फीट में 10 क्विंटल में काम आ जाएगा, और नहीं तो फिर 11.5 क्विंटल आपको सरिया लगेगा। तो एक नंबर आज बता दिया। आप दूसरा नंबर वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।